और ये देखो नारियल पानी भी मिल रहा है भाई साहब। लोकल में क्या क्या नहीं मिलता है यार, हर चीज़ मिल जाएगा आपको, मतलब खाने पीने की तकलीफ नहीं होगी किसी चीज़ के। ये चाय सब मिल जाएगा सब, और नारियल पानी भी देख रहा है, सही है यार। तो है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर न्यू ब्लॉग। टाइटल और थंबनेल देख के थोड़ा बहुत आप लोगों को आइडिया लग गया। मैं आज ट्रैवल कर रहा हूँ दीघा से हावड़ा। वैसे मैं अभी हूँ रामनगर में, मतलब दीघा पहले उसके बाद रामनगर। तो रामनगर से मेरा घर पास पड़ता है, इसलिए मैं रामनगर से ट्रेन लूँगा, मतलब लोकल ट्रेन में सफ़र कर रहा हूँ। तो लोकल का टिकट प्राइस पहले मैं बता देता हूँ, 40 रुपीज़ का टिकट है यहाँ से हावड़ा तक जाने के लिए। और एक बात, मैंने 2-3 महीने पहले, 3 महीने नहीं 6-7 महीना हो गया पहले, लोकल ट्रेन के ऊपर एक ब्लॉग बनाया था। तो सब पूछ रहे थे कि पांचकुड़ा में जाके, वैसे ये डायरेक्ट नहीं जाती, आपको पांचकुड़ा में उतरना पड़ेगा, फिर पांचकुड़ा से आपको लोकल ट्रेन चेंज करनी पड़ेगी, मतलब हावड़ा के लिए। तो सबको ये लगता है कि पांचकुड़ा में जाके फिर टिकट लेना है, तो पहले ही क्लियरिफाई कर दूँ, टिकट एक ही बार ही लेना है दीघा से, रामनगर से, कौंटाई से, जहाँ से भी चढ़ोगे हावड़ा तक, 40 रुपीज़ का टिकट है। तो क्लियरिफाई हो गया टिकट के और लाइक ट्रेन चेंज के बारे में, टिकट और ट्रेन चेंज के बारे में क्लियरिफाई। बाकी गाइस, इस बार सामान मेरे पास कम है, ये वाला बैग है और इसमें पानी बोतल, उसमें छोटे वाले बैग पानी बोतल वगैरह है और पर्स है, क्योंकि बस 2 दिन के लिए कोलकाता जा रहा हूँ। थोड़ा सा रूम शिफ्टिंग वगैरह का है, तो वो करके फिर आऊँगा, क्योंकि मम्मी का बर्थडे है, न्यू ईयर वगैरह फैमिली के साथ स्पेंड करना है। बस जा रहा हूँ, होपफुली आज रात को ही बैक आऊँ या एक दिन बाद, जस्ट आज जा रहा हूँ कल आ जाऊँगा, ऐसा सीन मतलब बना के ही जा रहा हूँ, ऐसा प्लान बना के ही जा रहा हूँ। और दीघा से हावड़ा जाने के लिए 3 टाइम का ट्रेन मिलेगा आपको, एक सुबह लोकल है 5:30 या 6:30, मुझे टाइमिंग याद नहीं है, और 10:30 बजे एक्सप्रेस ताम्रलिप्तो, फिर 11:30 बजे एक लोकल है, फिर 6:30 बजे खांडारी एक्सप्रेस है। तो उसमें गया नहीं मैं, होपफुली जाऊँगा एज सुन एज पॉसिबल। बाकी वहाँ से आने के लिए लोकल है, लोकल तो हर टाइम है, लेकिन वो ये पांचकुड़ा में चेंज करके आना पड़ेगा, और एक्सप्रेस 6:50 की है, बाकी शाम का मुझे टाइमिंग याद नहीं। ओवरऑल गाइस, बहुत ज़्यादा बकबक कर लिया, सो अब ये काम करना आपको है, क्या है वो पता है, रेड कलर के सब्सक्राइब बटन प्रेस करके छोटे से फैमिली का हिस्सा बन जाना, एंड बेल नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना, ताकि जब भी मैं ब्लॉग अपलोड करूँ आपको पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। और इंस्टा फेसबुक तुम्हारे भाई को फॉलो नहीं करते यार, फटाफट जाके फॉलो कर लो। तो अब ये काम करते हैं, पहले जाके टिकट लेता हूँ मैं, फिर बाकी बात करते हैं। सॉलिड गाइस, ये ले लिया मैंने टिकट, लिखा हुआ है रामनगर से हावड़ा। तो एक ही बारी आपको टिकट लेना है, ट्रेन पांचकुड़ा में जाके चेंज करना है, लेकिन आपको टिकट और कहीं नहीं लेना, बस एक ही बार टिकट लेके ट्रेन चेंज करके ही जाना है लोकल। और एक बात, जो लॉल हो गया मेरे साथ लॉल हो गया, वैसे लोकल का टाइमिंग 11:30 बजे ही रहता है, मैं एक बार गया हूँ लोकल में, दो बार गया हूँ, लेकिन अभी आया तो कहने लगे कि 12:15 की टाइमिंग है। तो मैंने बोला कि क्या टाइमिंग परमानेंट हो गया, कह रहे हैं हाँ। तो आप लोग भी ध्यान से 11:30 के जगह 12 बजे, वैसे दीघा से ज़्यादा लोग बोर्ड करते हैं, क्योंकि लाइक ट्रैवलर और टूरिस्ट सब वहीं रहते हैं दीघा में, तो दीघा में 12 बजे का टाइमिंग है, और रामनगर पहुँचाते 10-15 मिनट तो लगा ही लेते हैं आराम से। तो 12 बजे दीघा से टाइमिंग है, और रामनगर वगैरह से जो चढ़ोगे उसका 12:15, और कौंटा से टाइमिंग का आइडिया नहीं है, तो वो अपने हिसाब से ऐप वगैरह में चेक कर लेना गाइस। बाकी 1 घंटा अभी वेस्ट करना यहाँ खड़े होके, वैसे कई कई बार होता है कि मैं 1 मिनट पहले पहुँचता हूँ और अभी 1 घंटा पहले पहुँच गया, मैं तो 11:30 बजे का टाइमिंग लेके आया हूँ, लेकिन सीरियसली। बाकी उम्मीद करता हूँ जर्नी अच्छी रहेगी, तो आप लोग भी इस जर्नी में बने रहो, बाकी चलो। सो गाइस, एक चीज़ देखा रामनगर टिकट काउंटर के सामने, ये पूरा बैनर लगा हुआ था, बैनर क्या बोर्ड लगा हुआ था, और लोकल्स के टाइमिंग्स वगैरह, न्यू टाइमिंग देख सकते हो, पॉज करके देख लेना। और इस साइड फेयर चार्ट दिया हुआ है, मतलब आप कहाँ जाओगे और लाइक कितने पैसे आपको लगेंगे, वो पॉज करके देख लेना। बाकी भीड़ थोड़ा बहुत बढ़ी रही है, क्योंकि अभी जस्ट 12 बजने वाला, लगभग गाइस से 1 घंटा हो गया, और ट्रेन का टाइमिंग सही से नहीं पता हो तो यही सीन होता है। मुझे तो लगा था 11:30 बजे लोकल है, तो 11:30 बजे ही, बाकी नया टाइमिंग और नया शेड्यूल आप लोगों ने तो बोर्ड पर देख लिया। अभी देखो 10 मिनट और रह रहा है, लोकल एक बार आ जाए फिर चलेंगे हावड़ा के लिए। वैसे फिर पांचकुड़ा में अगर चेंज करना है, ये मेछेदा लोकल है, तो मेछेदा जाएगी सीधी, तो पांचकुड़ा में जाके चेंज करके फिर हावड़ा वाली लोकल लेना है। बाकी उम्मीद करता हूँ जर्नी अच्छी रहेगी, जैसे ट्रेन में बैठता हूँ फिर ब्लॉग कंटिन्यू करता हूँ, एक बार लोकल आ जाए, ज़िंदगी का सफ़र
बस ऐसे ही चल रहे हैं, लोकल ट्रेन बस। चलो। सो गाइस बिल्कुल टाइम पर आ गया, 12:15। लास्ट टाइम मैं एक्सप्रेस में गया था वो भी शायद लेट किया था, लेकिन ये तो पूरा टाइम पर ही आ गया। और पहला लेडीज़ के लिए रिजर्व है, लेकिन जेंट्स भी चढ़ रहे हैं वैसे। सो गाइस आया भी और छोड़ दिया भी, तो बड़े मुश्किल से सीट मिल गया, उधर ही बैठा हूँ आराम से, अपना सामान ऊपर चढ़ा दूंगा आराम से बैठ जाऊँगा। वैसे सही है यार, टाइम पर है, बढ़िया मज़ा आ गया। Tear us apart and bury me all in my head alone. Calling your name, but only feel the cold. I sense the change in that. सो गाइस लोकल में जैसे ही मैं बैठा अपनी सीट पे, तो मुझे झालमुड़ी वाले भैया दिख गए। तो मैं भी कहाँ छोड़ने वाला था यार, झालमुड़ी तो मैं खा के रहूँगा, क्योंकि वैसे लगी थी मुझे भूख। और लोकल ट्रेन में ये होता है सबसे बढ़िया खाना, देखो 10 रुपये में चना वगैरह और मुड़मुड़ा पूरा भर भर के दिया, मतलब आप खाओगे तो आपका पेट आराम से भर जाएगा। तो मैं ये इन्जॉय करता हूँ। सो गाइस ये आ गया पहला स्टॉप बादलपुर, और झालमुड़ी के साथ मेरा भी चल रहा है अभी, बादलपुर आ गया। इसके बाद कांथी है, मतलब बहुत सारे स्टॉप है यार, मेचेदा तक जाएगी है मेरा, लाइक पाँचकुड़ा तक बहुत सारे स्टॉप हैं। बाकी चलो इसको एंजॉय कर दे बता। तो गाइस ये सिर्फ लोकल ट्रेन में ही होता है, पूरा साइकिल वगैरह आराम से आ जाता है, बाकी एक्सप्रेस वगैरह में तो नहीं जाएगा, लेकिन लोकल में सही है यार, पूरा साइकिल वगैरह आ जाता है। और सब मस्त बैठे हुए हैं एक जगह पर, लोकल रुकी हुई है, हवा चल रही है बहुत तेज की, गांव में ठंड होना हवा चलती है बहुत ज़्यादा। सो गाइस बोलते बोलते हम लोग पहुंच चुके हैं कांथी कौंटाई, जो वेस्ट बंगाल के एक फेमस जगह है। तो कांथी पहुंच चुके हैं हम लोग, और मैंने अपना सीट एक अंकल जी को दे दिया, क्योंकि अंकल जी थोड़े से पैर में तकलीफ था, तो वो खड़े हुए थे मेरे पास। सब लोकल ट्रेन में यही होता है, लड़ाई होती होती है सीट के लिए। मैंने तो अपना सीट एक अंकल जी कह रहे थे उनको दे दिया, मेरे को वैसे ब्लॉगिंग के चक्कर में बैठ भी नहीं सकता, और यहाँ पे लड़ाई देखो बहुत ज़्यादा लड़ाई हो रही है। लोकल ट्रेन में ये तो होता रहता है यार, लोकल ट्रेन में जर्नी करोगे तो लड़ाइयाँ तो देखनी पड़ेगी आपको, ये हर किसी लोकल ट्रेन में होता है, लोकल के नॉर्मल ट्रेन में भी होता है यार। सो गाइस बोलते बोलते हम लोग पहुंच चुके हैं हेडिया, और हेडिया में बहुत ज़्यादा ट्रेन भीड़ हो गई यार, मुझे जगह नहीं मिल रहा था हम लोग खड़े होने के लिए। और मुझे बाहर दिखा एक बंदा जो शायद अपनी फैमिली के लिए सपोर्ट कर रहा था, कुछ बेच रहा था, तो बहुत हार्डवर्क कर रहा था, तो देख के थोड़ा बहुत फील हो रहा था कि यार मिडिल क्लास फैमिली रिलेट कर सकते हैं ये सारी चीज़ें देख के। तो हम लोग चल पड़े हेडिया से, और अभी एक बंदा मिला, पता नहीं है भीख वगैरह मांगता है शायद, आके बैठा हुआ था नीचे। तो ये सारी चीज़ें देख के ना थोड़ा सा फील होता है कि हम जहाँ पर है जिस स्थिति में है, तो वो बहुत बढ़िया है गाइस। भाई लोकल ट्रेन में ये सब सही है, जो बचपन के यादें सारे खाते थे ना, बचपन में सारी चीज़ें मिल जाएगी। और रहते रहते भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, मैं बिल्कुल गेट के सामने आ चुका हूँ, क्योंकि मेरा सीट तो अंकल को दे ही दिया मैंने ऑलरेडी, और ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे बाद तो वहाँ पहुँच जाऊँगा पाँचकुड़ा, फिर वहाँ से सीट मिल जाएगी आराम से, बन के चलती है हावड़ा तक की लोकल सारे। Calling
calling your name, but I only feel the cold. सो गाइस तमलुक पहुंच गए अभी, जस्ट दो तीन स्टेशन है रहा, उसके बाद आ जाएगा अपना पांचकुड़ा, फिर उधर जाके हावड़ा के लिए भी लोकल चेंज करनी है। और तमलुक में काफ़ी खाली भी हो गया यार, बहुत सारे लोग उतर गए तमलुक में। चलो सही, अब चढ़ जाते हैं यार, एक मिनट रुकती है बस। ऐसा लग रहा है आधी से ज़्यादा ट्रेन ही खाली हो गई लोकल, देखो ना सब उतर रहे हैं तमलुक में, उतर रहे हैं यहाँ से, फिर दूसरे दूसरे जगह जाने के लिए लोकल्स वगैरह मिल जाते होंगे। तीन स्टेशन है ना, एक रघुनाथवाड़ी, एक कुछ गोदावाड़ी पता नहीं, और एक कुछ है, उसके बाद आएगा पांचकुड़ा, फिर पांचकुड़ा में जाके चेंज करना है। तो मैं बताऊंगा पांचकुड़ा में जाके कौन से स्टेशन से फिर लोकल लेना है आपको हावड़ा के लिए। चलो बाकी थोड़ा सा रह रहा जर्नी, उसके बाद फिर वहाँ से डेढ़ दो घंटा तो लगेगा ही लगेगा गाइस। ट्रेन में ना खाने पीने का भंडार बिल्कुल रहता है, ये फिर से झालमुड़ी और उधर एक वो चिप्स कुरकुरा वगैरह, लेकिन भूख लगी है, सब खाने का मन नहीं कर रहा। सोच रहा हूँ पांचकुड़ा में उतर के कुछ मिलेगा तो अच्छा कुछ ही खाऊंगा थोड़ा सा। जैसे मैंने पहले भी बताया था ताम्रलिप्त एक्सप्रेस है, तो उसमें भी आ सकते हो, या तो अगर उसमें सीट नहीं मिली तो लोकल में आ जाओ, और सीट तो मिल ही जाती है। मैंने वैसे अंकल को दे दिया था, पता नहीं अंकल कहाँ चले गए, कोई और बैठ गया उधर, और मेरा बैग उधर रखा हुआ है। बाकी चलो अभी पहुँचते हैं पांचकुड़ा, फिर आगे की तम लोग भी छोड़ दिया गाइस, और यहाँ से ट्रेन अभी चल पड़ी है मस्त, और सीधा मिलता हूँ मैं आपको पांचकुड़ा में। सो गाइस फाइनली मैं पांचकुड़ा उतर गया, कुछ खाऊंगा, और लोग जा रहे हैं उस साइड, शायद दो नंबर पे आएगी मिदनापुर लोकल, तो मिदनापुर वाली वो हावड़ा ही जाएंगे सबके सब। बाकी पहले कुछ खाते हैं, थोड़ा फ्रेश होते हैं, फिर हावड़ा के लिए लोकल लेता हूँ मैं। सो गाइस जस्ट मुझे दो घंटे लगे मतलब रामनगर दीघा से पांचकुड़ा आने के लिए, और पांचकुड़ा में अभी पाँच नंबर प्लेटफॉर्म में खड़ा हूँ, पाँच नंबर से जाती है सारे लोकल, मिदनापुर बोलो बाली चौक बोलो सारे लोकल आपको हावड़ा छोड़ेगी। तो पाँच नंबर वाली सारे लोकल पाँच नंबर से जाती है, फिर भी कभी कभार शायद चेंज हो जाए, वो थोड़ा सा देख लेना आप अपने हिसाब से। बाकी मैं फ़िलहाल पाँच नंबर पे आ चुका हूँ, यहाँ से भी वही दो ढाई घंटे लगने हैं हावड़ा के लिए। बाकी देखो दो घंटे की जर्नी कैसे क्या होती है। वैसे पांचकुड़ा वाली लोकल तो बहुत सही था, मतलब मेछेदा वाली लोकल, पांचकुड़ा बिल्कुल टाइम से छोड़ा यार, और एक लोकल मैं मिस कर दिया थोड़ा सा। अभी नेक्स्ट अभी बाली चौक वाली लोकल आ रही है, वो लेके जाऊँगा फिर हावड़ा में। बाकी हावड़ा तक की जर्नी होपफुली कि अच्छे से बीत जाए। भाई साहब पांचकुड़ा प्लेटफॉर्म में यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा प्लेटफॉर्म छान लिया, कोई एक दुकान नहीं है यार इधर, लाइक पानी वानी बेचता हो या कोई लाइक क्या बोलते हैं बिस्किट वगैरह चिप्स कुरकुरे वगैरह मुझे वही झालमुड़ी खा के गुजारना पड़ रहा है। मुझे लगा कुछ अच्छा सा मिलेगा तो ब्रेड ऑमलेट टाइप का या नॉर्मली चावल वगैरह मिल जाएगा, पैकेट वाले चावल मिलते हैं ना जो 40-50 रुपये की थाली, वो ले लूँगा, लेकिन वो मिला ही नहीं, बस झालमुड़ी खा के गुजारना पड़ रहा। और बाली चौक लोकल आ रही है पाँच नंबर पर, फिर वो लेके जाएगी मुझे हावड़ा तक। सो फाइनली गाइस अभी लाइक हावड़ा के लिए लोकल मिल चुका है, और ये छोड़ भी रहा है पांचकुड़ा से, तो पांच नंबर प्लेटफॉर्म से आपको मिल जाएगा हावड़ा जाने के लिए लोकल। काफ़ी सारे हैं यार, मैंने तो एक लोकल छोड़ दिया, क्योंकि थोड़ा सा ब्लॉगिंग के चक्कर में भी ना बहुत कुछ मिस हो जाता है, बहुत सारे चीज़ें। बाकी दो घंटे की जर्नी और है यहाँ से हावड़ा, तीन पाँच हो रहा है, तो शायद 5:15-20 तक मैं हावड़ा पहुँच जाऊँगा। बाकी दो घंटे की जर्नी तय करते हैं, इसके बाद बाकी बात करता हूँ। पूरी ट्रेन खाली खाली यार, ब्लॉगिंग के चक्कर में लास्ट वाला मतलब पहला वाला ट्रेन लोकल छोड़ दिया था ना, तो उसी चक्कर में ये वाला खाली खाली मिल गया, लेकिन बैठने का मन ही नहीं कर रहा। सही यार, खाली खाली मिलता है थोड़ा अच्छा रहता है ब्लॉगिंग वगैरह करने, लोग कम देखते हैं, ताका है कि लोग कम करते हैं, और बैग रख दिया अपना, एक ही बैग लेकर आऊँ इस बार ट्रिप में, सबसे कम बैग है क्योंकि एक दिन के लिए भी तो आया हूँ। बाकी तो सही चल रही है गाड़ी तेज़ी से बिल्कुल, बस टाइम से हावड़ा पहुंचा दें, फिर जाके थोड़ा सा रूम पर रेस्ट करना है। घुघनी ढूंढ रहा था बहुत देर से, तो पांचकुड़ा के बाद ही घुघनी मिल गया, गरम है वैसे, गरम गरम लग रहा है। चलो इसको फिनिश करते हैं पहले यार, क्योंकि पांचकुड़ा में तो वैसे कुछ खाना मिला नहीं मुझे, तो ये मिल गया लोकल में, यही सब खाना मिलता है, तो इसको इंजॉय करता हूँ उसके बाद, और जस्ट एक घंटे के जर्नी रह रही है वो पूरा करता हूँ फिर। और ये देखो नारियल पानी भी मिल रहा है, भाई साहब लोकल में क्या क्या नहीं मिलता है, हर चीज़ मिल जाएगा आपको, मतलब खाने पीने की तकलीफ नहीं होगी किसी चीज़ के, ये चाय सब मिल जाएगा सब, और नारियल पानी भी देख रहा है, सही है यार।
सो गाइस कोलाघाट पहुंच चुके हैं और अभी 10-12 स्टेशन और रह रहे हैं। वैसे एक चीज़ अच्छा है ना, ये वाली लोकल में बोल रही है वो लड़की, मतलब कौन सा स्टेशन आने वाला है कौन सा नहीं। दीघा वाले लोकल में नहीं बता रहा था, तो ये बहुत अच्छा है कि पता लग रहा है नेक्स्ट स्टेशन कौन सा है क्या नहीं। चलो अब एक घंटे की जर्नी और रह रही है, वो भी कंप्लीट कर लेते। अभी तक तो जर्नी सही रही, सीट भी दीघा वाले में मिला था, इस वाले में तो खाली खाली है, कहीं भी बैठ सकते हो आराम से आके। गाइस इस वाले लोकल में कोई कोई तो आराम से सो के भी जा रहे हैं, मैं देखो कैसे फैल के बैठा हूँ, पूरी लोकल ही खाली है यार। सही है, बहुत मज़ा आ रहा है वैसे जर्नी में। और 40 रुपये में क्या मिलेगा भाई, विंडो सीट है, पूरा फैल के बैठे हो। बस में आओगे 250-300 रुपये में ऐसे नहीं मिलेगा, लेकिन 40 रुपीज़ में ये फैसिलिटीज़ है आपके लिए। मजाक कर रहा था मैं, हर टाइम लोकल खाली नहीं मिलता। गाइस ऐसा कुछ पहली बार मैंने स्टेशन का नाम सुना, चिंगाल। आज पता नहीं गाइस लोकल हर जगह टाइम से पहले ही पहुंचा रहे हैं। और अभी दासनगर है, इसके बाद टिकियापाड़ा, इसके बाद हावड़ा। हावड़ा पहुंचाने में लेट तो करेगी वहाँ मुझे पता है, लेकिन टिकियापाड़ा पहुंच जाए उसके बाद हावड़ा। खुशी देख रहे, खुशी, जल्दी जल्दी सब कुछ हो रहा है आज। सो गाइस मैंने कहा था ना ये राजधानी जा रही है दिल्ली के लिए, मैंने कहा था टिकियापाड़ा छोड़ते ही रुका दिया, क्योंकि हावड़ा टाइम लगता है उधर, स्टेशन खाली नहीं रहता ना, बहुत बिजी स्टेशन है, सब रुका पड़ा है, ये भी और ये लोकल भी, वो एक्सप्रेस भी, वो तो चल रही है फिर भी थोड़े थोड़े, ये बिल्कुल रुका पड़ा है। पूरी रास्ता सही लेके आया, इधर ही 10-15 मिनट रुकवा दिया यार। देखो इस साइड से भी अपना ट्रेन निकल रहा है स्टेशन के लिए, इस साइड से भी जा रहा है, बस अपनी ट्रेन रुकी पड़ी है। और लगभग 5 बज गए पूरा, बस 2 मिनट की दूरी पर स्टॉप है, वही लेके नहीं जा रहा यार। चलो लगभग तो पहुंच गया, यहाँ तक जर्नी अच्छी रही। और आप लोगों को कैसा लगा जर्नी कमेंट करके ज़रूर बताना, कोई भी क्वेरीज होगी तो कमेंट करना, मैं रिप्लाई सबको देता हूँ, जितना हो सके रिप्लाई सबको ही करता हूँ। गाइस फाइनली 1 महीने बाद, 1 से 1.5 महीने बाद आ रहा हूँ हावड़ा, और वहाँ पर है हावड़ा ब्रिज, दूर से देख सकते हो। लाइट अभी जली नहीं है, थोड़ा सा अभी लाइट है, मतलब रात में उधर सही लगता है पूरा, वो लाइट अभी जला नहीं है। बाकी पहुँच गया, बाकी रूम पर पहुँच के बाकी बात करते हैं, बाकी बात और क्या ही करना, ब्लॉग एंड करते हैं। वैसे 40 रुपये की जर्नी सही रही यार, बस स्टेशन भी आ गया, भीड़ बहुत है, पहले उतरता हूँ मैं। सो लेट गेस, थोड़ी देर पहले ही मैं रूम पर पहुंचा, रूम पर पहुंच के थोड़ा बहुत काम कर रहा था, बस कल सुबह फिर जाना है क्योंकि मम्मी का बर्थडे वगैरह है, तो कल सुबह निकल जाऊंगा। सो उम्मीद करता हूं ये वाला ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके इस छोटे से फैमिली का हिस्सा बन जाना। एंड कोई भी क्वारीज होगी तो प्लीज़ DM या लाइक मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं बता दूंगा। और 40 रुपीज़ में दीघा से हावड़ा का एक्सपीरियंस तो औसम था, आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड प्लीज़ एक वीडियो में लाइक कर देना यार, लाइक नहीं करते यार, लाइक कर दो। सो मिलते हैं न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।